नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए सरकार। आम चुनाव की आड़ में छात्र संघ चुनाव न करवाना और करवाने से बच रही है हरियाणा सरकार। दिग्विजय सिंह चौटाला ने सरकार को दी है चेतावनी। हरियाणा सरकार को एक हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करवाने पर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटियों पर ताला जड़ा जाएगा। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के छात्र संघ चुनाव को मंजूरी मिली तो हरियाणा में मंजूरी क्यों नहीं मिली। इसके अलावा छात्र हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगा इनसो। पूरे हरियाणा के छात्रों में मैंडेट सीएम को देंगे। राज्यपाल को मिलकर प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर बरसे दिग्विजय सिंह चौटाला। पलपल सिरसा से अमर सिंह जाड़ी की विशेष रिपोर्ट। स्टूडेंट इलेक्शन बहाल करते हुए सरकार ने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे, मगर 18-19 के टर्म में 2018-19 के टर्म में इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे और अगले वर्ष हम डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। पिछले दिनों एक र्यूमर फैलाई गई, सरकार के द्वारा प्रायोजित कर करके फैलाई गई कि हरियाणा में स्टूडेंट इलेक्शन इस वर्ष नहीं होंगे। इलेक्शन की आड़ में, जनरल इलेक्शन की आड़ में ये बहाना लेकर के सरकार इससे बचना चाहती है। दिल्ली की डेट्स आ चुकी हैं, राजस्थान में इलेक्शन हो चुके हैं, चंडीगढ़ में 5 तारीख को इलेक्शन है। आने वाले समय में एग्जामिनेशन का टाइम आ जाएगा, जिसका मतलब हरियाणा की सरकार की नीयत या बदनीयत कहूँ साफ है। मैं फिर सरकार को चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वॉर्न करना चाहता हूँ मनोहर लाल खट्टर को और उनके शागिर्दों को, जो ये स्टूडेंट्स के साथ बदनीयती से इस स्टूडेंट इलेक्शन, स्टूडेंट डेमोक्रेसी की हत्या, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने की हत्या करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं वॉर्न करना चाहता हूं। आज हम सिग्नेचर कैंपेन चलाकर डायरेक्ट इलेक्शन, जो खट्टर का वादा था, उसकी लड़ाई की शुरुआत, उसके लिए जो अब इनने अपने वादे से मुकरने का काम किया, वादा खिलाफी की, उसके खिलाफ हम एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत आज CDLU सिरसा से कर रहे हैं। हरियाणा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर उनके सिग्नेचर करवाकर हम उनका मैंडेट लेंगे। लाखों सिग्नेचर एकत्रित कर हम यहाँ महामहिम गवर्नर को अपना पक्ष रखेंगे, सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वहीं खट्टर से समय मांग करके चीफ मिनिस्टर से मिलकर उसको हरियाणा का मैंडेट, स्टूडेंट्स का मैंडेट देकर और उसे उसका वादा, खट्टर साहब का वादा याद दिलाने का काम करेंगे। अगर वो ये सोचते हैं कि हम स्टूडेंट इलेक्शन से बच जाएंगे, ऐसा कतई संभव नहीं। मैं आज फिर से बड़ी विश्वास से कहता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी, चुनाव बहाल करो, डायरेक्ट इलेक्शन बहाल करो जल्द से जल्द। एक हमारे देसी में कहावत है कि जो बोता है उसको ही काटनी पड़ती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कोई दोराय नहीं। मगर इतना देर कर देगी सरकार, ये हमने सोचा नहीं था। 75 पार कौन करेगा या विधानसभा से बाहर कौन जाएगा, ये तो लाखों करोड़ों लोग हरियाणा के तय करेंगे। पीछे 75 पार कह रहे थे, अब कल परसों खट्टर ने 90 पार ही कह दिया, सीट 90 पार करके, इसका मतलब तो बाहर जाने का इनका मन बन चुका है, 90 ही पार कर चुके हैं, तो अब ये हरियाणा की विधानसभा से बाहर जाएंगे, इनकी तो वही हालत होगी जो पहले हुआ करती। छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं होते, मैंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अगर बहाल नहीं होंगे तो हम इनसे जाके मिलेंगे। फिर भी इनने हमारी मांग नहीं मानी तो फिर सीधा जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स का और सरकार का, और फिर वो किसी भी अंजाम तक जा सकता है। इलेक्शन से पहले अगर सरकार ऐसी सिचुएशन हरियाणा में पैदा करना चाहती है, उसकी जिम्मेवार सरकार है।